एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल यू गाइज बॉर्न ऑन मे 19th. आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप लोग ऐसे लोग होते हैं हु आर कॉल्ड परसुएडर्स, यानी आप किसी को भी अपने पक्ष में झुका सकते हैं. इतनी खूबसूरती से आप बात करते हैं, इतनी सही तरीके से आप किसी चीज़ को पेश करते हैं कि लोग आपके पाले में फटाफट आ जाते हैं. एनर्जी से भरपूर होते हैं. थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को सही फोकस दें और सही तरीके से कंट्रोल करें. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में आप बिल्कुल लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से आराम से रेस जीत जाता है. आपका इस वक्त जो हम देख रहे हैं टाइम आपके प्रेम में, दोस्तों प्रेम में मैं समझती हूँ कि आपका टाइम जो है बिल्कुल उसी तरह जाएगा जिस तरह से आप उसे बितवाना चाहते हैं. यानी अगर आप अपनी रिलेशनशिप में खुश हैं तो आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा. मगर आपको बहुत थोड़ा सा इस बात का थोड़ा मामूली ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो लवर हैं वो भी उतने ही हैप्पी हों आपके साथ जितना कि आप हैं. आपके फाइनेंसेस में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अच्छे पैसे आपके पास आएंगे. हो सकता है आप ही का कोई हिथरटू डिस्कवर्ड टैलेंट ना हो, जो अभी तक आपने पता ना किया हो, उस तरह की किसी खूबी से आपको पैसा बनाने का भी एक नया जरिया मिल जाए. आपकी फैमिली जो है आपका साथ निभा रही है, लेकिन आपकी किसी एक हैबिट को लेके कुछ चिंता में पड़ सकती है. अब ये हैबिट क्या है भाई, ये तो आप ही जानेंगे. हो सकता है घर से बहुत ज्यादा देर तक बाहर रहते हो या कुछ इस तरह की चीज हो. इसका ध्यान रखिएगा कि ये हैबिट आपको तंग ना करे, आपके फैमिली वालों को तंग ना करे. अब आ जाते हैं आपके करियर पे दोस्त. तो करियर में तो हम समझते हैं कि इस साल मुझे लगता है देयर इज अ मेजर करियर चेंज इन योर लाइफ. हो सकता है आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चले जाएं, हो सकता है आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाएं, और आप में से कई लोग तो एक नया ही करियर स्टार्ट ही करने वाले हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. ऐसा मालूम होता है जैसे ऑब्स्टेकल्स पे हम आए तो कोई एक पुरुष ऐसा है और शायद कोई स्त्री भी है जो कि हैं तो मिडिल एज से ऊपर, लेकिन आप लोगों को तंग करने पे जुटे हुए हैं. क्यों ये आपके रास्ते में इतनी रुकावट बन रहे हैं मैं नहीं जानती. हो सकता है रिश्तेदार हों, हो सकता है आपके खुद के लोग हों, लेकिन इनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से बिल्कुल नहीं मिलती. हेल्थ में मुझे लगता है कि आप जो हैं काफ़ी ठीक रहेंगे. आपके लिए वॉक करना बहुत अच्छा रहेगा. थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि कहीं आपकी हड्डी वड्डी पे कोई परेशानी ना आ जाए, टूट जाए या फिर जॉइंट्स में दर्द ना हो जाए. आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है. मैं इस समय पर इस साल में आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन देख रही हूँ 8.5 आउट ऑफ